नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। बुंदेलखंड में एक छोटी सी कहानी है, उसको लेके हम डिबेट शुरू करेंगे। एक बार था जहाँ 97 घर ब्राह्मणों के थे और 3 घर सेन समाज के थे, और जब चुनाव आया तो सेन समाज भी चुनाव लड़े और ब्राह्मण समाज भी चुनाव लड़े, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो 97 घर की बस्ती में वो सेन समाज का व्यक्ति चुनाव जीत गया। क्योंकि जिसको पैर पड़ने की लोकतंत्र में आदत है, जिसको झुकने की आदत है, उसका लोकतंत्र में कोई नुकसान नहीं कर सकता। यह अदा हमें देखने को मिली है मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया में, और मकरोनिया का वार्ड नंबर 10, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को झुकने की आदत है और यही अदा उनको यहाँ यशस्वी बनाती। भाई साहब, ब्राह्मणों की बस्ती, सारी चीजें हमने कहानी भी सुना दी। ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, आधार है हम लोगों के, और जो भी मैंने सीखा है अपने जीवन में वो मैंने ब्राह्मणों से सीखा है। और हमारे गुरु जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम लोग जो काम आशीर्वाद से गुरु कहते हैं कि कर्म करना, तो कर्म एक छत्री के रूप में, मैं बलवंत ठाकुर हूँ, मैं बाट के रूप में अपना कर्म करता हूँ। कहते हैं लोग कि आप सहज आदमी हैं, झुक जाते हैं, लाल व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने जब अपना आदर्श ब्राह्मणों को माना तो ब्राह्मणों ने मुझे जो सिखाया है जीवन में कि बड़ों से झुकना है। हमारे गुरु ब्राह्मण होते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारे गुरु ब्राह्मण होते हैं, और जितना अवसर हमें सेवा का ब्राह्मण देते हैं और मेरे को प्रोत्साहित करने इस काम, जितने भी काम मैंने किए हैं उसके पीछे प्रोत्साहन हमारे बाट के लोगों का। एक परिवार जिस तरीके से बेटा काम करता है अपने परिवार में, उस तरीके से मैं काम करता हूँ। ये बाट मेरा परिवार है और एक बेटे के रूप में मैं इस परिवार में काम करता हूँ। क्या लक्ष्य है अब आप इस बार अगर चुनाव जीते? मेरा लक्ष्य ये है कि मेरे कुछ काम अधूरे रह गए, चूंकि कोरोना काल रहा और 3 साल के, 2.5 साल के लगभग चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हुए, तो एक मेरा बहुत बड़ा दिक्कत इस बाट में रही वो सिविल लाइन की रही। हमारी ऐसे 4-5 गलियां हैं जहां पानी नहीं निकाल पाए, ड्रेनेज बनाने के बाद भी पानी फ्लो नहीं वहां से निकाल पाए। तो पहला काम ड्रेनेज सिस्टम सुधारना है, हमारी आधुनिक लाइट व्यवस्था करना है, हमारे पार्कों को और सौंदर्यीकरण करना है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारे मकरोनिया के वार्ड नंबर 10 में यहाँ पर कोई मार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, जिससे हमारा मकरोनिया का, खासकर वार्ड नंबर 10 का जो हमारा कहते हैं डमी एरिया है, 2 बजे के बाद स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कोई मार्केट बने जिससे हमारा वार्ड दिन भर लोगों का आवागमन रहे, या कोई बिल्कुल शासकीय भवन आ जाए या कोई मार्केट आ जाए। कितनी फाइट देखते हैं आप चुनाव में? अब चुनाव में तो फाइट होती है, चुनाव की मैं सम्मान करता हूँ, और लोकतंत्र में चुनाव से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जनता के बीच में हूँ और मैं चाहता हूँ जनता जो मेरे को जनादेश देगी मैं उसे स्वीकार होगा। मेरे को कोई गर्व घमंड नहीं है, जनता कहेगी बलवंत ठाकुर फिर से काम करिए तो मैं काम करूंगा। मैं सेवक हूँ और सेवक के रूप में काम करता रहूंगा। ठीक, आप वार्ड के हैं? जी बिल्कुल, वार्ड का है। वार्ड में मेरा वार्ड पिछले 5-7 साल भी ये पार्षद रहे, सभी को मिलजुल कर एक साथ वार्ड की समस्याओं का इनने निराकरण कराया, घर घर जाके पूछा। सर्वप्रथम हम लोगों ने इनसे बोला जैसे ही ये पार्षद बने कि सबसे बड़ी समस्या नालियों की, तो इनने रोड को छोड़ के सबसे पहले वार्ड में नालियाँ बनवाई, जिसमें अब ना कोई वार्ड में पानी में नाली की निकासी में दिक्कत है, और पेयजल की व्यवस्था की, और पार्क के लिए बहुत लड़ाई लड़ी भू माफियाओं से, और ये पार्क प्रलोभन के बावजूद, इनको बहुत प्रलोभन आए, लेकिन उन भू माफियाओं को हराते हुए हम लोगों ने एक अपने आनंद नगर में बलवंत भाई के मार्गदर्शन में एक पार्क आज बच्चों को खेलने के लिए है। आप क्या नाम लिखते हैं? आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, वकील मोदी। मैं अभी यहाँ 10-12 साल से रह रहा हूँ, लेकिन जिस रफ्तार से मैंने आनंद नगर मकरोनिया में देखी हर एक चीज़ का व्यवस्था, पहले ऐसा नहीं था जो इन्होंने आकर के किया, और सतत प्रयास रहता है, बेशक नहीं भी रहें तो भी ऐसा सहायता करते हैं कोई भी चीज़ में। कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो हर एक वार्ड में नहीं होता, यहाँ पर इन्होंने सप्लाई करता है, पुराता है, इतना तो है बलवंत भैया का। जातियों से ऊपर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जब जाति वर्ग विशेष का हमला होता है किसी लोकतंत्र में जी, तो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण, कितना सही मानते हैं इसको? अरे साहब, हाँ, फिर तो वार्ड का क्या बोले आपको, इतना अच्छा हमारा पार्षद है बलवंत ठाकुर, और आज तक किसी चीज की कमी नहीं, एक फोन पे खड़े होते हैं वो, एक टेलीफोन पर। मेरा नाम है प्रकाश वाल्मीकि, 20-25 साल से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। बलवंत ठाकुर जी जब बाट पार्षद भी नहीं थे, इधर टपरियों बह गई, बाढ़ आई 2002 में, सबके लिए मुआवजा दिलाया, दुख सुख की खबर मिलती है, आते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, इससे अच्छा बाट पार्षद पूरे सागर में नहीं मिलेगा, हमारा तो कहना ये है बलवंत ठाकुर जैसे। मैं अजय पाठक हूँ और बाट का निवासी हूँ,
और बलवंत के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि वो घर जैसा आदमी है और बाढ़ में उसके मतलब उसने हर समस्याओं के लिए हमेशा निदान किया है, और जब भी आप बुलाएंगे एक टेलीफोन पे आता है वो आदमी, उसके लिए तो कहना जितना कहें उतना कम है। ये बलवंत नहीं है, संत है जी, हमें ऐसा पार्सल नहीं मिल सकता है जो कभी भी आधी रात में भी फोन लगा दो तो 10 मिनट लगते हैं उनको पहुंचने में। और मलाज का हाल चाल? सब बढ़िया है। कहाँ है? बढ़िया में का? बढ़िया में बलवंत ठाकुर, बढ़िया में बढ़िया। कुछ कमी दे गई? कोई कमी नहीं है। महिलाओं से नमस्कार। क्या देखती हैं आप बाढ़ में? बाढ़ में हम बहुत अच्छा देखते हैं, और हमारे भैया बहुत अच्छे हैं और सबके लिए मदद के लिए खड़े रहते, बरहमेश खड़े रहते, जब भी उनको बुलाओ तो वे जरूर खड़े हो जाते। हमने कही बलवंत नहीं संत आए जी, लोकतंत्र की ऐसा ही तो है ना, बरहमेश खड़े तो रहते हम लोग जैसे बुलाओ तो। सेवा करेगा हाँ। ठीक है, और क्या अच्छी है, ठीक ठाक पार्षद है जी भैया, इस बार भी हम सोचते वो सब वही बनेंगे। बोल अम्मा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे, उनका नेचर बहुत अच्छा है। आपकी नजरें, बहुत की नजरें, भले चश्मा नजरें, नहीं 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 बहुत अच्छे हैं, तो हम बात कर रहे थे लोकतंत्र में बहुत बहुत चीजें आई। एक चुनाव हुआ था अदने से, राज नारायण सिंह ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था, ये लोकतंत्र का तकाजा है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए, ये चुनाव बड़ी बला है, लेकिन अच्छे आदमी चुनाव में किस तरह से चुनाव जीतते हैं वो हम इस बार में देख रहे हैं। अच्छा आदमी जब भी चुनाव लड़ता है, अच्छा आदमी जब भी चुनाव लड़ता है तो अच्छा उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है आपका कहना। बलवंत सिंह ठाकुर तो एक ऐसा इंसान है, अब उसकी जितनी आप तारीफ करोगे उतना कम है। उसने आज तक, आज 5-7 साल हो गए, इस बाढ़ को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम लोग यहां से निकल नहीं पाते थे, रोडों की दुर्दशा थी, पत्थरों पे से चलते थे, लाइट नहीं थी, यहां पर पार्क नहीं था, यहां पर क्या 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 समस्याएं थी। लेकिन आज उसने एक फोन पर कोई की कोई तकलीफ हो फौरन आ जाता है और इस व्यवस्था को सुधारता है, अनुशासन में बनाए रखता है और हमारे पूरे बाढ़ को एक एक मत में परोया है। एक माला जैसे फूलों में गुथ जाती है ऐसी गुथी हुई है, यहाँ से कोई अलग होने वाला नहीं है। कितने बसंत गुजर गए दादा आपके? अरे हमारे बसंत ही बसंत है, 75 साल, 75 साल ना बेटा घर में है। हाँ 75 साल का हो गया हूँ, लेकिन एक बात है कि उसके मुकाबले हमारे 18 वार्ड में ऐसा पार्षद नहीं है और ना मिलेगा। 75 साल के व्यक्ति में सच बोलने की अदा होती है, कुदरत हमें बताता है, और 5 साल का बच्चा भी सच बोलता है। दादा ने कहा कितनी सच्चाई है? अरे भैया 100% सच्चाई है, वो हमारा लड़का है, ये जो है ना हमारा लड़का है। मैं जी वार्ड पार्षद नहीं, लड़का, लड़का वार्ड पार्षद बाहर में गया, हमें क्या कर बहू बहू और लड़का है, और इसकी आंटी जो है वो यहाँ की रामायण मंडली की अध्यक्ष कई सालों से हैं। 11 को 30-35 महिलाएं थी, तो सबने कहा आंटी क्या चाहे आप, क्या चाहती, तो बोले बलवंत हमारे लड़का बलवंत को, तो 4 वोट या 5 वोट मिला लो तो घर बैठे 150 वोट तो ऐसे ही आ गए। ठीक ढाई नहीं, अरे वो सही है भाई, तो ये मेजॉरिटी से जीतेगा ये गारंटी है। प्रदीप लहरिया को अच्छी तरह समझा दिया था, पूछो क्यों भैया, हमने कह दिया था कि बलवंत को आपने वोट नहीं दिया तो स्वतंत्र टिकट नहीं दिया तो हम स्वतंत्र खड़ा करके इसको जता डालेंगे, और अंत में मिले हमको, बोले दादा आपकी बात, वो पैर छूते हमारे भाई सज्जन आदमी है, वो परिवार सज्जन है, तो उन्होंने कहा हमने इसको टिकट दे दिया है। बहुत दंड पेलते थे दूसरे लोग। क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि हमेशा हमारे साथ हैं और
हर काम में साथ में रहने के साथ साथ हर विकास में साथ में है, बस हम यही कहना चाहेंगे और आगे भी ये चाहेंगे कि ऐसे ही काम होता रहे। होगा ऐसे ही होगा। हमारे जो बड़े भाइयों ने बलवंत सिंह ठाकुर के बारे में बोला है वो 100% सही, मैं सबकी बातों का समर्थन करता हूँ, इससे अच्छा पार्षद हमें भविष्य में भी नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे बल है। हाँ, बलवंत एक ऐसा लड़का है कि मैयत में हर दर्श को छोड़ दो, शादी ब्याह छोड़ दो, पर ये मैयत में जाता है, घर जाएगा वहाँ खड़ा रहेगा, हमने ये भी दिन देखे हैं। तो ये देखा है कि शुभ नाम लिखते हैं आर एन शर्मा, शर्मा जी, जी वरिष्ठ लेखाधिकारी विद्युत मंडल का क्लास वन, और बेटा कहीं बीबी क्या किए हो जो तुम्हारी भाषा बड़ी प्यारी है यार बोलने की स्टाइल है, हाँ बहुत प्यारी है यार। शर्मा जी ने कहा है कि हमारी स्टाइल अच्छी, लेकिन हम तो कहेंगे कि जनता जिसकी रक्षा करती है, जनता जिनको मोहब्बत करती है, जनता जिसको आशीष देती है, वो उसको हरा कौन सकता, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, कौन बुझाए इस दिए को जिसे रोशन खुदा करे। तो हम तो ये कहेंगे कि बन के फानूस वो हवाएं जो है जनता जिसकी रक्षा करती, भाई बुजुर्गों के साथ आशीष है जी, हमने तो कभी उनको असफल होते नहीं देखा, ये कुदरत, ये तो कुदरत और समाज का स्टाइल बोलता है। मेरा नाम अमरीश राय है, मैं इस वार्ड का वासी हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनको जानता हूँ, वो व्यक्तिगत लाइफ में भी बहुत अच्छे इंसान है और पढ़े लिखे इंसान है, बाकी विकास के कार्य तो दिख ही रहा है आपको। लोगों से जानेंगे, क्या नाम है तुम? सोहन लाल। अरे लाल ही, हाँ मुटके लाल घूम रहे, वो बहुत लाल खड़े हो गए, क्या विचार है अपनों कौन? अच्छा विचार है भैया, बलवंत भैया जैसे हैं पार्षद जी को जो सुख दुख में हर वक्त खड़े, जो इंसान की मजबूरी समझे हर वक्त साथ ही, उनको जरूरी है, माने वो ही जरूरी है, काश जरूरी है कुछ ना, जो काबिल है आदमी जो कोई भी दल का हो, लेकिन अपने बाट जैसा प्यासी बहुत अच्छा। ठीक ठीक दादा, कितनी उम्र हो गई? हो गई भैया हमारी 70-75 हो गई है। कुटीर मिल गई? नहीं कुटीर तो नहीं मिली बाबू, मैं अब कहो कुटीर हो अब क्या, तो राजे भैया ये करवा दे, करवा दे, हाँ करवा दे, ठीक ठाक रहे इनको काम? अरे ठीक है बाबू। क्या नाम है आप? ब्रजलाल। क्या है पोजीशन? पोजीशन तो 10 नंबर वार्ड की वो पोजीशन है कि प्रदीप लाड़िया ने वो पोजीशन नहीं की अपने दरवाजे की, जो 10 नंबर की पोजीशन बलवंत सिंह ठाकुर ने कहा। बलवंत सबसे अग्रणी, क्या नाम है तुम? प्रकाश वाल्मीकि। आप बोल चुके? बोल चुके, बोल चुके। ठीक तो हम हो गए, हाँ हम उन लोगों से बात करेंगे। हेमू लालिया जी बड़े, नमस्कार भैया, आ जाओ। मेरा नाम तनवीर खान है, और अगर सबका साथ सबका विकास की अगर बात की जाए तो असली अर्थ जो है बलवंत भैया ने यहाँ पे सिद्ध किया हुआ है, क्योंकि 10 नंबर वार्ड में अगर सबका साथ और सबका विकास हुआ है तो ये 10 नंबर वार्ड बलवंत भैया की वजह से हुआ है, और इन्होंने जो है सभी को, चाहे वो दोस्त हों दुश्मन हों चाहे कोई भी, किसी का बुरा नहीं किया, सभी का अच्छा किया हुआ है, और विकास के मामले में जो है मैं ये कहता हूँ कि 18 वार्डों में सबसे बढ़िया विकास जो है अपने 10 नंबर में हुआ है, और बच्चों के लिए जो पार्क बनाया गया है, बच्चों को यहाँ पे खेलने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे हंस खेल रहे हैं। अगर जनता किसी की तारीफ करते, गोपाल दास नीरज की लाइन है कि आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। तो हम तो जनता ही से पूछते हैं, अगर जनता जिसके साथ है समझो उस प्रत्याशी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। क्या लग रहा बलवंत में? बिल्कुल बलवंत भैया बहुत भारी मतों से जीतेंगे, पिछली बार भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, जैसे मैं तनवीर भाई ने बोला है कि सबका साथ सबका विकास, उसकी यानी लाइनों को पूरा करके विकास की हर श्रेणी में प्रथम आए बलवंत भैया, और मैं चाहता हूँ कि वह आगे भी जनता की सेवा करते रहें। ठीक हम और आप संगे आ रहे थे बंधु जी, कहाँ है फिर? बलवंत भैया जीतेंगे, उसको नहीं हरा सकता, हमने बहुत विकास किया है 10 नंबर वार्ड में, विकास के आधार पर वोट मिलना चाहिए। वार्ड क्रमांक 10 से बलवंत भैया खड़े हुए हैं, जिसमें इन्हें वार्ड में बहुत काम किया है, जिससे जनता खुश है,
आज के उसमें बलवंत ठाकुर को ही वोट मिलेगा। ठीक, क्या नाम है? बलवंत खटीक। अरे बलवंत खटीक हो, बलवंत नाम रहा हमारा, पारा जैसा हो, बलवंत भैया जैसा हो। ठीक है, हम एक कमेंट और। हाँ यादव जी, क्या बात कर। हाँ यादव जी। हाँ भैया, जय राम जी। वहाँ बलवंत भैया वहाँ ठीक है, भैया चरवात हैं वहीं, तो हमारे तो बढ़िया नाली पानी हर चीज की व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है। और भैंस कब जाए हमारी, भैंसों को तो नहीं है दिक्कत। अरे नाली बना रही यार, अच्छी और बनवा जा रहे बेचारे, भैंस निकली तो खुद घुस गए बेचारे, अपना फुल पेंट ही नहीं उतारो। दो ही भैयों ने भैंस निकाल दी बाहर, यहाँ तो पार्षद तो हमें चाह नहीं है, हमें तो आठ पंचवटी होगी बोर्ड भैंस निकाल सके, पार्षद चाहने। ठीक है, जनता से हमने पूछा, बहुत स्पष्ट तरीके से खुले अल्फाज उन्होंने बताया कि वो आपके साथ, कैसा जादू है ये कि जनता आपके साथ में। सबसे बड़ा तो जादू आप स्वयं हैं, आप सब जो भी हमारे राजनेता होते हैं सबकी स्थिति सुधार देते हैं, अगर कोई गड़बड़ भी करता है तो ब्रह्मदत्त दुबे भैया उसको पकड़ के सुधार देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी वो है कि कहीं ना कहीं हम अपने जो पत्रकार भाई हैं उनसे भी मार्गदर्शन लेते हैं, तो ये सब मैंने अपने बुजुर्गों से, हमारे रिपोर्टरों से, और एक अच्छे परिवार में होने के नाते एक अच्छे तरीके से मैंने काम किया है, और मैं जीवन भर अपनी जनता का ऋणी हूँ। हमारे हमारे 10 नंबर वार्ड में जो बलवंत भैया ने किया है कोई कभी नहीं कर सकता। मंदिर से मंदिर से आ रहे सीधे, मंदिर से आएंगे बलवंत जीत जाए नहीं बोलेंगे ही, क्योंकि अगर कोई 12 बजे फोन किया तो 12 बजे खड़े रहे, वो नाली खुद ने साफ करी, अगर कोई साफ करने वाले नहीं आए तो ऐसा व्यक्ति होने भी तो चाहिए। हमारे तो बलवंत भैया हमारी तो नाली साफ करवाई है, सब कुछ करवाया, कुछ भी काम करके लिए बोला अगर कोई फोन किया तो उन्हीं ने करवाया। एक दिन की घटना है, मैं और हमारे एक मित्र नरेंद्र रोहित जी, तो देर शाम को एक गाय की बछड़ा खत्म हो गया। पहले तो वहाँ के हमारे रहवासी क्षेत्र शिवनगर जो कॉलोनी है, गुप्ता कॉलोनी, वहाँ उन्हें उठाने दिए, गौ माता है उसको भी नहीं उठाओ, ये भी जिंदा है। तो बछड़ा खत्म हो गया, फिर पंडित जी कह रहे रात में मरा जानवर घर पर नहीं रखा, तो मैं और हमारा एक मित्र नरेंद्र रोहित, तो हमने उससे कहा भैया जी अपन को बछवा ले चलना, तो उसी पर आ नहीं रहे हमारे सफाई कर्मी, कहना दादू अपन तो बंद करें जो उठा वो। हमने दादा हम और तुम पहले तो उठाते कि जब किसान हुआ करते थे दादा, रात 8 बजे उस गाय का पिछड़ा को हम लोग कैंट एरिया फेंक के उठा गए। ठीक है, हमने वार्ड नंबर 10 में बातचीत की है और लगा हमें कि जनता बलवंत बलवंत के साथ है। बलवंत यानी 10 नंबर के संत, इनका अंदर मैंने इनको लोगों ने माना है कि ये अच्छी सेवा करते। हम बार बार एक चीज कहते हैं कि जिसके साथ जनता जनार्दन होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खूब लड़े, चुनाव चुनाव की तरह लड़ना चाहिए, लेकिन जिनके साथ जनता की मोहब्बत होती है, जिनके साथ जनता का प्यार होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय भी हैं। जिलाध्यक्ष महोदय गजब का कार्यकर्ता, माने खुले दिल से लोगों ने कहा कि बलवंत चुनाव जीत रहे, यही आज ही परिणाम बता रहे यहाँ के लोग। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे नगर पालिका मकरोनिया के जो 18 प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से सब पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिनको आम जनता ने पार्षद बनाया और पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया, जनता की सेवा के लिए बलवंत जी भी हैं और हमारे बाकी प्रत्याशी भी लगातार ये जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। ये केवल स्वयं के लिए राजनीति में नहीं आए, ये जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए, और 10 नंबर वार्ड से जिस तरह से हम ये जिस पार्क में खड़े हैं उस पार्क का विकास हो, जिस सड़क से आए हों वो सड़क की बात हो, गली में शहर जैसी सड़क बनाना वार्ड के अंदर, ये एक जुझारू प्रत्याशी और जुझारू नेता की ही पहचान है। बलवंत जी के लिए हम सभी की शुभकामना है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे निश्चित रूप से जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीष मिलेगा। फिलहाल से इतना ही, लेकिन हम कहेंगे कि बलवंत जो है यहाँ चुनाव मैदान में हुंकार भर रहे हैं और जबरदस्त उनको समर्थन मिल रहा है। जितेंद्र श्रीवास के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर।